नेटफ्लिक्स में आज मैंने एक मूवी देखा। इस मूवी का नाम है जोगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। और आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ये मूवी आप नहीं देखे हो, एक बार जाके नेटफ्लिक्स में इस मूवी को ज़रूर देखिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूँ? सबसे पहला बात देखिए, हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर का जो विजन होता है उस कॉन्सेप्ट से कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या जो वो बनाने की कोशिश करते हैं वो उसको अचीव 100% नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे अली अब्बास जफर का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से उसको एग्जीक्यूट किया है इस मूवी के थ्रू। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस मूवी को आप ज़रूर देखिए, एक देखने लायक एक मूवी है। क्या है जोगी मूवी का कहानी? अगर कहानी के बारे में बताया तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, हम सभी को पता है सन 1984 के 31 अक्टूबर को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था, उनका हत्या हुआ था। और उनका हत्या किए थे उनके ही जो बॉडीगार्ड थे दो, वो सिख रेजिमेंट से थे, वो दोनों ने उसको हत्या कर दिया। इसके बाद किया हुआ पूरा दिल्ली में दंगा छेड़ गया और सभी सिख परिवार जितने भी सारे थे उन सभी का मत मार दिया गया। और जो लोग भाग पाए तो पंजाब में चले गए, जो लोग भाग के नहीं जा पाए उन सभी को हत्या कर दिया गया। उनके घर, उनके दुकान, जो भी कुछ थे सभी को जला दिया गया। बहुत से इंसानों को जिंदा जला दिया गया। तो ये इस तरह एक परिवार था जो पूर्व दिल्ली त्रिलोकपुर बोल के एक जगह है, उस जगह के 6 नंबर गली का जो एक जगह है वहाँ पे रहते थे एक जोगी। जोगी और उसके जोगी अपने जो परिवार है पूरा परिवार समेत रहते थे और उनके आसपास के लोग रहते थे। इसी दंगे के बीच में पढ़ के क्या जोगी अपने परिवार को सुरक्षित पंजाब लेके पहुंच पाते हैं या नहीं, और इसमें उनको क्या क्या कठिनाई के सामना करना पड़ता है, और जोगी क्या वो काम कर पाते अपने परिवार को क्या, और अपने परिवार और अपने जो जहाँ पे वो रहते थे 6 नंबर गली के उनके जो पड़ोसी थे उन सभी को क्या सुरक्षित पंजाब लेके पहुँच पाते या नहीं, इस मूवी के थ्रू हम देख पाएंगे। अगर इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे को लगा वो था इस मूवी का स्टोरी, स्क्रीन प्ले और नैरेशन। जिस तरह का ये कहानी और कहानी को जिस तरह से दर्शाया गया है वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये इमोशनल सीक्वेंसेस जितने भी सारे थे इतने बेहतरीन तरह से यहाँ पे दुख मतलब दिखाया गया है। बहुत ही दुखद लगेगा आपको देख के, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, जिस तरह से वो सभी दिखाया गया है, और ये जो जितने भी सारे डायलॉग्स थे वो बहुत ही सरल डायलॉग्स थे। यहाँ पे कोई हीरोइक चीज़ के करने का या दिखाने का कोशिश नहीं किया डायरेक्टर ने। ये कहानी एक सच्चे घटना के ऊपर आधारित है और उसी हिसाब से डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा एकदम रियल और रॉ जिस तरह का था वो सिचुएशन उसको उसी तरह रिप्रेजेंट किया है। कहानी के अंदर वो जो डेप्थ होना चाहिए था वो बहुत बेहतरीन तरह से मुझे यहाँ पे लगा। इसके साथ साथ अगर एक्टिंग के बारे में कहा जाए तो मैं सबसे पहले कहूँगा जोकी के कैरेक्टर में दिलजीत दोसांझ ने बहुत बेहतरीन काम किया है। चाहे वो इमोशनल सिक्वेंसेस हो, चाहे वो यहाँ पे एक लव एंगल है, वहाँ पे रोमांटिक सीक्वेंसेस हो, सीरियसनेस हो, दोस्ती का बात हो, सब जगह पे उनका काम बहुत बेहतरीन है। और खासकर इमोशनल सीक्वेंसेस में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है उनका एक्सप्रेशन ही बहुत लाजवाब था इस मूवी के अंदर। बहुत बेहतरीन तरह से, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत जज्बात के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जो कैरेक्टर है जोगी इसको बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया है। और जब देखेंगे नेचुरल एक्टिंग जो होता है, मतलब जो ऐसा है कि वो अपने कैरेक्टर को जी रहे थे, वही यहाँ पे दिलजीत दोसांझ ने किया है। जो उनका काम आप जब देखेंगे आप भी मजबूर हो जाएंगे कि हाँ वो सच में बहुत बड़ी बेहतरीन काम किया ये बोलने से आप ज़रूर बोलेंगे। इसके साथ साथ जिनका एक्टिंग मुझे अच्छा लगा वो है मोहम्मद जीशान आयुब। वो यहाँ पे इंस्पेक्टर रविंदर चौटाला का जो कैरेक्टर है प्ले कर रहा है। बेसिकली ये जोगी का दोस्त है, यू ऐसा दोस्त है जो जोगी के जो मुश्किल घड़ी है, मुश्किल कुछ समय जो है वहाँ पे उसके साथ दिया था, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना जो परिवार है, अपना जो लाइफ है, अपना जो नौकरी है, सभी को दांव में रखते हुए जोगी का साथ दिया। और जोगी मतलब आखिरी वक्त तक जोगी का साथ दिया था उन्होंने, और सेफली और बहुत ही बेहतरीन तरह से यहाँ पे उन्होंने आखिर तक जोगी और उसके परिवार और उसके जो मोहल्ला था उन सभी लोगों के लिए वो सामने से खड़े हुए और लड़ रहे थे। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कुमुद मिश्रा जी ने यहाँ पे तेजपाल अरोड़ा का कैरेक्टर प्ले किया है। तेजपाल अरोड़ा बेसिकली दिल्ली के जो त्रिलोकपुर है वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के काउंसिलर है, उनका जो यहाँ पे नेगेटिव सेट का कैरेक्टर है, एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, तो उनका एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा। एक्सप्रेशन जैसे विलेन मतलब बेसिकली वो उनके कैरेक्टर के अंदर नेगेटिव सेट्स है और नेगेटिव मतलब प्रो ही नेगेटिव है,
तो वो अपने कैरेक्टर को बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पे प्ले किए, उनका अभिनय मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा लाली काटीवाल के कैरेक्टर में हितेन तेजवानी का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा, खासकर कुछ इमोशनल सीक्वेंसेस है वहाँ पे हितेन तेजवानी का जो काम है बहुत बेहतरीन है। एक गुरुद्वारा से बाहर निकल के एक सीक्वेंस है वहाँ पे वो रो रहे थे, उस रोने के अंदर वो जो जज्बा था, वो जो दर्द था, वो जो पेन था, दोस्त दोस्त मतलब दोस्ती, मतलब दोस्ती एक तरफ दोस्ती है दोस्त को ऐसे करने का, मतलब दोस्त के साथ बुरा बर्ताव करने का, और उनके अंदर जो पश्चाताप हो रहा था, उनके अंदर जो मन में बहुत दुख था, अपने बहन को वो पहले मतलब उनका बहन भी मर चुके थे, उनका बहन का मरने का जो दुख था उसके साथ उनके दोस्त का, दोस्त को गलत समझने का, दोस्त के मतलब बहुत सारे उनके मन में जो हलचल हो रहा था उसको वो सीक्वेंस में उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ वो परफॉर्म किया, उनका रोने के अंदर वो मन के अंदर वो जो दुख है, वो जो पेन एगोनी है, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर पोर्ट्रे हो रहा था। उनका एक्टिंग मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ साथ यहाँ पे परेश पाहूजा ने कलीम का कैरेक्टर को प्ले किया है, और जिनका एक्टिंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। परेश पाहूजा ने अपना जो कैरेक्टर वो बहुत खूबसूरती के साथ प्ले किया है, और उनका एक्टिंग बहुत मैच्योर एक्टिंग था। इसके साथ साथ हम देख पाएंगे अमायरा दस्तूर का, अमायरा दस्तूर का एक्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनका कैरेक्टर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया है, उनका शॉर्ट कैरेक्टर था लेकिन अच्छा प्ले किया। इसके साथ साथ मैं जो कहूँगा इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, हर वो सिचुएशन के साथ बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पे सही तरह से बैठा है। मान लीजिए इमोशनल सिक्वेंसेस हो या सीरियस सीक्वेंसेस हो या कोई हॉर, मतलब ऐसा सिचुएशन है काफ़ी हेवी है, मतलब बहुत इमोशनल ड्रेनेज वाला सीक्वेंस है वहाँ पे, हर वो सीक्वेंस जितने भी सारे हैं, चाहे वो फियर वाला सीक्वेंसेस हो, सभी जगह पे बीजीएम जो है बहुत ही बेहतरीन तरह से यहाँ पे कंपोज किया गया है। ये हर जो सिचुएशन हो काफ़ी अच्छी तरह से इसके साथ सिंक्रोनाइज होता है, जब आप देखेंगे या सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ इस मूवी का जो म्यूज़िक है, जो जो गाना इस मूवी के अंदर है वो बहुत ही बेहतरीन है, और जिस तरह से इस गाने को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो आप जब देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। ये महसूस नहीं होगा कि ये जो गाना है ज़रूरत नहीं था, हर वो सिचुएशन में इस मूवी का जितने भी सारे गाने हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक गाना मतलब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जो भी आप सुनेंगे बहुत बेहतरीन वो गाना है, मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। वो जो दर्द है, वो जो दुख है, मतलब आप जब देखेंगे और वो सुनेंगे वो गाना, आप भी फील कर पाएंगे, आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। और खासकर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस मूवी के अंदर हर वो इमोशनल सीक्वेंसेस को, वो जज्बात, वो दुख, अपने जो फैमिली है, अपने फैमिली मेंबर्स को वो मतलब वो आंखों के सामने वो मर रहे हैं, वो देख के अपने मन के अंदर वो जो तड़प है, वो जो दर्द है, वो जिस तरह से यहाँ पे बयां किया गया है, हर वो इमोशनल सीक्वेंसेस को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे थ्रू सिनेमाटोग्राफी कैप्चर किया गया है। और आप जब देखेंगे वो आप खुद महसूस कर पाओगे कि अपने जो अपना जो रिश्तेदार है, अपने जो लोग हैं, उनसे बिछड़ने का क्या गम होता है। बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पे वो इमोशनल सीक्वेंसेस को मतलब दिखाया गया है, और बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया गया है, और इमोशनल सीक्वेंसेस को जो ट्रीटमेंट जो जिस तरह का होना चाहिए था, नेचुरल जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरह से किया गया है। इसीलिए इस मूवी का जो डायरेक्टर अली अब्बास जफर को भी मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने जिस तरह से इमोशनल सीक्वेंस को जिस तरह से प्रायोरिटी दिया है और जिस तरह से यहाँ पे दिखाया है और कैप्चर किया है, सिनेमाटोग्राफी की इस मूवी का बहुत दमदार है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने जोगी मूवी नहीं देखा है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, आप ज़रूर जाके एक बार देखिए, आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। शायद इस मूवी को देखने के बाद आपके दिल भर आए और आपके आंखों से आंसू भी निकल आ सकता है इस मूवी को देखते देखते बहुत जगह पे आपको। यही था मेरा राय जोगी मूवी को लेके, आपका क्या राय है आप ज़रूर कॉमेंट करें।